नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरोग्य शिक्षा में। साथियों, आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं वह है ब्लैक फंगस। साथियों, जैसे कि आप सुन रहे होंगे कि आजकल ब्लैक फंगस के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और खासकर कोरोना पेशेंटों में बहुत ज़्यादा मामले आ रहे हैं। जो कोरोना पेशेंट ठीक हो गए हैं उनमें भी ब्लैक फंगस के मामले आ गए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ब्लैक फंगस आखिर है क्या, किन लोगों को इसका खतरा है, इसके कारण क्या है और इसके बॉडी में क्या क्या लक्षण दिखते हैं और इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं, इसी विषय के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलते हैं शुरू करते हैं अपने विषय को। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लैक फंगस आखिर है क्या। ब्लैक फंगस एक फंगल है जो कि हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट में पाया जाता है। अब जैसे कि आप सीलन भरे कमरे में भी ब्लैक फंगस पाया जाता है, सड़ी हुई पत्तियों में, आपके गंदे कपड़ों में, कीचड़ में, खाद में, मिट्टी में, चारों तरफ हमारे ब्लैक फंगस पाया जाता है। परंतु आम इंसान को ब्लैक फंगस से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी इस तरह से बनी होती है कि ब्लैक फंगस से काफ़ी हद तक लड़ लेती है। अब बात करते हैं कि ब्लैक फंगस से किन किन लोगों को खतरा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्लैक फंगस से किन किन लोगों को खतरा है, जो कि डायबिटीज पेशेंट है और जिनके काफ़ी लंबे से डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, उनको ब्लैक फंगस से सबसे ज़्यादा खतरा है। दूसरे जो कैंसर पेशेंट है जिन्होंने अपना अंग प्रत्यारोपण करवाया है, और तीसरे जिनकी इम्यून पावर बहुत ही कमज़ोर है, और चौथे जो अभी अभी कोरोना से ठीक होकर आए हैं, क्योंकि कोरोना से ठीक हुए आए पेशेंट में भी इम्यून पावर बहुत कमज़ोर हो जाती है जिसके कारण उन्हें ब्लैक फंगस का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। बात करते हैं कि ब्लैक फंगस के क्या क्या लक्षण बॉडी में दिखते हैं। अगर ब्लैक फंगस होता है तो सबसे पहले लक्षण आपके फेस पर दिखते हैं। आपका एक साइड का जबड़ा सूज जाता है, आपके जबड़े में दर्द होती है, आपके आंखों के पास काले गड्ढे पड़ने शुरू हो जाते हैं, आपकी आंखों में लालीपन आना शुरू हो जाता है और आपको देखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ मामलों में आपकी आंखों की रोशनी तक जा सकती है। इससे आपके नाक से काले और भूरे रंग का डिस्चार्ज हो सकता है, आपके नाक मुंह में काले निशान पड़ सकते हैं और आप बहुत ही वीक फील कर सकते हो। अगर यही ब्लैक फंगस आपके ब्रेन तक पहुंच जाए तो आपको कुछ भी सोचने और समझने की शक्ति आपकी ख़त्म हो सकती है। और अगर ब्लैक फंगस आपके मुंह से होता हुआ आपके फेफड़ों तक चला जाए तो यह आपके फेफड़ों को डैमेज कर सकता है, फेफड़ों में स्वेलिंग आ सकती है, आपके चेस्ट में पेन हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, आपको खांसी आ सकती है। और यही ब्लैक फंगस अगर आपके पेट तक चला जाए तो आपको इससे लूज मोशन लग सकते हैं, मतली आ सकती है और आपको चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। अगर आप लैट्रिन वगैरह में खून वगैरह आ सकता है, ये सब ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। अगर आपको भी इनमें से कोई लक्षण दिख रहा है तो अपने डॉक्टर से संपर्क। साथियों, अब बात करते हैं कि आप अपने आप को ब्लैक फंगस से कैसे बचा सकते हो। ब्लैक फंगस से बचने का सबसे बड़ा हथियार मास्क है। आप मास्क का उपयोग करो, धूल मिट्टी में जाने वाली जगह से परहेज करो, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा हो वहाँ पे जाने से परहेज करो, और अगर आप खेतों में काम करते हो तो अपने हाथ और पाँव को प्रॉपर शूज़ और ग्लव्स से ढक के रखो और फिर काम करो, और अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखो, डायबिटीज़ को बढ़ने ना दो। स्टेरॉइड का इस्तेमाल डॉक्टर के परामर्श से ही ले। और अगर आप कोरोना पेशेंट है और अभी आपका कोरोना का ट्रीटमेंट चल रहा है, आप ऑक्सीजन लेवल पे हैं, तो अपने ह्यूमिडिफायर में आप पानी को बार बार चेंज करते रहें, साफ पानी का उपयोग करें जिससे आप ब्लैक फंगस से बच सकते हो। और अपने कमरे में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, वहाँ पे सीलन ना हो, साफ़ सफाई हो, जिससे भी आप ब्लैक फंगस से बच सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर आप कोरोना से अभी अभी ठीक हुए हो तो आपको ब्लैक फंगस से कैसे बचना है। अगर अभी अभी आप कोरोना से ठीक हुए हो तो आपकी इम्यून पावर बहुत ही कमज़ोर है जिसके कारण आपको ब्लैक फंगस अपनी चपेट में ले सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आप ब्लैक फंगस की चपेट में ना आए। तो आपको एक तो धूल मिट्टी वाली जगह में जाने से बचना चाहिए, मास्क का उपयोग करना चाहिए और स्टेरॉइड का इस्तेमाल डॉक्टर के ही परामर्श से ले। अपने ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखना चाहिए, अपने ब्लड ग्लूकोज को बार बार चेक करना चाहिए
कि आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, और एंटी फंगल और एंटी वायरल दवाइयों का सेवन डॉक्टर के परामर्श से ही करना चाहिए। और इसके बाद अगर आप अपनी इम्यून बूस्ट को बढ़ाना चाहते हो जिससे आपको ब्लैक फंगस और कोरोना दोनों से ही बच सको, तो आप हल्दी वाला दूध ले सकते हो, और अनुलोम विलोम, कपालभाति और ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो जिससे आप कोरोना से भी बचोगे और ब्लैक फंगस से भी बचोगे। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।